जब बात आती है सूर्य मंदिर की तो दिमाग में उड़ीसा का कोणार्क मंदिर की तस्वीर आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि ये मंदिर 13वीं सदी में बनाई गई सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। लेकिन क्या आपको पता है, उड़ीसा के अलावा कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, बिहार एंड आंध्र प्रदेश में भी सूर्य मंदिर है, जिनका इतिहास आज भी आपको किताबों में मिल जाएगा। उनमें से आज हम चलेंगे गुजरात की मोढेरा सूर्य मंदिर। मंदिर के बारे में जानकारी, वहां पर कैसे पहुंचा जा सकता है, आसपास क्या कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, उन सब के बारे में आज इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात राज्य के मोढेरा गांव में स्थित भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1026-27 ईस्वी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। मोढेरा सूर्य मंदिर का वास्तुशिल्प अद्वितीय है और ये भारतीय कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मंदिर अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मोढेरा का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है बचराजी, जो कि 16 किलोमीटर की दूरी पर है। गुजरात के लगभग सारे जगहों से मोढेरा GSRTC बस स्टेशन तक बस सर्विस अवेलेबल है। गर्भगृह में भगवान सूर्य की मूर्ति स्थापित है। ये मूर्ति सूर्य देव को समर्पित है और मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ये मूर्ति स्थित है। सभा मंडप में कुल 52 स्तंभ है, जो वर्ष के 52 हफ्तों का प्रतीक माना जाता है। ये स्थान धार्मिक और सामाजिक सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ मंडप गर्भगृह और सभा मंडप के बीच स्थित है और ये मुख्य पूजा स्थल है। सूर्य कुंड, जिसे राम कुंड भी कहा जाता है, एक विशाल कुंड है जिसमें 108 छोटे छोटे मंदिर है। ये कुंड धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता है। मोढेरा सूर्य मंदिर की स्थापत्य कला अद्वितीय है। इसमें गुप्त, चालुक्य और गुजरात शैली की कला का सम्मिश्रण है। मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि सूर्य की पहली किरण गर्भगृह में स्थित सूर्य देव की मूर्ति पर पड़ती है। ये सेम चीज कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी कभी होता था। मंदिर के दीवारों और स्तंभों पर विभिन्न देवी देवताओं का, नर्तकियों का और भारत के योद्धाओं की मूर्तियां आंकी गई है। मोढेरा सूर्य मंदिर का ऐतिहासिक महत्व काफी है। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारत के स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस मंदिर का उल्लेख आज भी हम प्राचीन साहित्य में देख सकते हैं। हर साल जनवरी के महीने में मोढेरा डांस फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर के कलाकार पारंपरिक नृत्य यानी कि ट्रेडिशनल डांस प्रस्तुत करते हैं। इस फेस्टिवल को गुजरात टूरिज्म ऑर्गेनाइज करते हैं। सन टेम्पल के 1-2 किलोमीटर के दायरे में आपको कई सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये गायत्री मंदिर, महादेव मंदिर और देवी मंदिर। यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था है। आपको मात्र 30 रुपए में भोजनालय में भोजन करने को मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, सब्सक्राइब माई YouTube चैनल ऑल अबाउट इंडिया।